लॉकडाउन 4 की समय सीमा समाप्त होने के बाद 1 जून से इंडियन रेलवे 100 जोड़ी सामान ट्रेनें चलाने जा रही है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 1 जून से भारतीय रेल 100 जोड़ी यानी 200 ट्रेनें चलाने जा रही है, जिसके टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग 21 मई से शुरू हो गई है। CPRO ने बताया कि ट्रेनों में यात्रा करने वालों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिससे कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 200 ट्रेनों के चलाए जाने के बाद भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आना जाना जारी रहेगा, जिससे श्रमिक अपने घरों तक पहुँच सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, जो प्रवासी श्रमिक हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए रेलवे निरंतर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें लगातार बढ़ाई भी जा रही हैं। आपको पता होगा कि नई दिल्ली से राजधानी स्पेशल करके अभी 15 जोड़ी गाड़ियां चलाई गई थी, वो भी चल रही हैं। अब इसके अतिरिक्त लोगों को और राहत पहुँचाने के लिए रेलवे ने 1 जून से 100 पेयर मतलब 200 ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों के लिए जो बुकिंग होगी वो ऑनलाइन होगी IRCTC के वेब या मोबाइल ऐप के माध्यम से। वो 21 मई यानी आज से शुरू कर दी गई है उस पर बुकिंग। इसमें अगर पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो कुल 5 ट्रेनें इसमें पूर्वोत्तर रेलवे की हैं। पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से मुंबई CST जाती है। गोरखधाम एक्सप्रेस है जो हिसार से गोरखपुर और गोरखपुर से हिसार चलती है। शिवगंगा है जो नई दिल्ली से मड़ुआडीह जाती है। इसके अलावा 2 और ट्रेनें NER की जो हैं, एक तो LTT है गोरखपुर से LTT, जो पहले 1:25, 1:41, 1:42 थी। अभी ये सारी ट्रेनें स्पेशल के हिसाब से 0:25, 0 लग गया है सभी ट्रेनों के नंबर के आगे, क्योंकि स्पेशल के अनुसार ही चलाई जा रही हैं। एक और ट्रेन है देहरादून से काठगोदाम जन शताब्दी एक्सप्रेस, ये NER की। तो NER की टोटल 5 ट्रेनें हैं, लेकिन इसमें कई ट्रेनें ऐसी हैं जो NER के रास्ते जा रही हैं। NER की ट्रेनें नहीं हैं, बस गोरखपुर के रास्ते NER के स्टेशनों से जा रही हैं। जैसे कि कुशीनगर है, कुशीनगर एक्सप्रेस 010160015 नंबर है, गोरखपुर से लोकमान्य तिलक चलती है। इसके अलावा आपका सूरत से छपरा ताप्ती गंगा एक्सप्रेस चलती है, उसको चला रहे हैं। वैशाली एक्सप्रेस जो ECR की ट्रेन है, सहरसा से न्यू दिल्ली जाती है, ये भी गोरखपुर स्टेशन होकर जाती है। सप्त क्रांति एक्सप्रेस है जो मुजफ्फरपुर से आनंद विहार चलती है। सत्याग्रह एक्सप्रेस है जो कि रक्सौल से आनंद विहार चलती है वाया गोरखपुर। सुहेल देव एक्सप्रेस है आनंद विहार से गाजीपुर के लिए। ऐसे ही आनंद विहार से गाजीपुर के लिए और एक ट्रेन है जो बाई वीकली चलती है। एक बांद्रा से गाजीपुर के लिए है, उसको स्टार्ट किया गया है। शहीद एक्सप्रेस, इसको भी चलाया जा रहा है। गोरखपुर से लोकमान तिलक, मैंने बताया NER की ट्रेन है। इसके अलावा एक स्पेशल ट्रेन है जो कि अहमदाबाद से चलेगी गोरखपुर के लिए वाया सूरत, इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, इन ट्रेनों को चलाया जाएगा, जिससे जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके लिए जो ट्रेनें चल रही हैं वो लगातार चलती रहेंगी। यह ट्रेनें जो पहले चल रही हैं ट्रेनें उनके अलावा है, इन एडिशन टू डैट है। और इन ट्रेनों के माध्यम से ऐसे लोग, जैसे जो लोग अपने कार्य पर वापस लौटना चाहते हैं, यहाँ आए या यहाँ फंस गए या कहीं और फंसे हुए हैं, वापस जाना चाहते हैं या अपने घर आना चाहते हैं, उन दोनों तरह के लोगों को सहूलियत मिलेगी। और जो लोग इन ट्रेनों से रिजर्वेशन कराएंगे या जाना चाहेंगे, उनके लिए कई सावधानियों के बारे में भी बार बार बताया जा रहा है, हर माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से भी स्टेशनों पे चलाया जा रहा है। मैं उनको पुनः एक बार आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिन किसी को यात्रा करनी है, सबसे पहली चीज़ है कि कंफर्म टिकट होना चाहिए उनके पास जब वो स्टेशन जाएं। जो लोग असिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब जिनके अंदर कोई भी कोरोना का लक्षण नहीं है, ऐसे ही लोगों को एंट्री दिया जाएगा।
अगर किसी के पास कंफर्म टिकट भी है और वो उसके अंदर कोई कोरोना के लक्षण है तो उनको ट्रैवल करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। कम से कम 90 मिनट पहले जाएं स्टेशन पे, जिससे कि एंट्रेंस पे जो स्क्रीनिंग वगैरह होनी है वो टाइमली हो सके। मास्क पहनना अनिवार्य है, बिना फेस मास्क के नहीं जा सकते। सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, ये भी अनिवार्य व्यवस्था है कि हर किसी को अपने मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। साथ ही साथ लिनन और कंबल और ये सारी चीज़ें जो हटा दी गई हैं वो अभी हटी हुई हैं कोविड 19 को देखते हुए। अपने साथ खाने पीने की सामग्री ले जाएं। हालांकि अभी आज से स्टेशनों पर जो स्टॉल थे, चाहे वो खाने पीने के स्टॉल हों चाहे मल्टीपर्पज़ स्टॉल हों, उनको खोलने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। परंतु जो फूड प्लाजा हैं या रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे केवल टेक अवे की सुविधा रहेगी। पैकेज्ड फूड वहाँ से बना के कुक्ड फूड वो सर्व कर सकते हैं, बट वो आप ले कर जा सकते हैं, वहाँ बैठ के खाने का अरेंजमेंट नहीं रहेगा। तो इसलिए सभी से अनुरोध है कि अपने साथ खाने पीने की सामग्री भी साथ में रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करें, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। ये आपको स्वतः करना है, आपको इस चीज़ का ख्याल स्वतः रखना है। रेलवे लगातार इसके लिए अनाउंसमेंट कर रही है, जागरूकता फैला रही है, जगह जगह रेलवे ने इनसर्कल कर रखा है एक डिस्टेंस पे। जब प्लेटफॉर्म पे आप जाएं तो उसको फॉलो करें, उसका पालन करें पूरी तरह। यही सारी चीज़ें मैंने बताया आपको ना कि गोरखपुर का भी मैंने बताया आपको। एक बार गोरखपुर का मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कि कुशीनगर एक्सप्रेस गोरखपुर में इसका ठहरा हुआ है। गोरखधाम एक्सप्रेस 025-55-56 जो है इसका है। फिर आपका वैशाली एक्सप्रेस है, सप्तक्रांति है, सत्याग्रह है, एक 25-41-42 जो पहले चलती थी, 025-41-42 गोरखपुर लोकमान्य तिलक, ये गोरखपुर से ही चलती है। अहमदाबाद से गोरखपुर के लिए जो एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उसका ठहराव। तो ये सारी गाड़ियां हैं जो गोरखपुर में रुकेंगी और इनको हम लोग अपने जो भी ऑफिशियल हमारे वेरीफाइड फेसबुक पेज हैं, ट्विटर हैं, उसके माध्यम से भी हम ये लिस्ट जारी करेंगे। और प्रिंट मीडिया के लिए भी आज प्रेस रिलीज ऑलरेडी जारी हो चुकी है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के लिए स्पेसिफिकली कौन सी ट्रेनें हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल प्रेस रिलीज शाम तक जारी करेंगे।